फिरोजाबाद के विधानसभा क्षेत्र शेषागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक और मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हरिओम यादव ने अपनी पार्टी पर प्रबंधन को लेकर निशाना साधा है। विधायक ने कहा है कि 22 जनवरी को सिकोहाबाद के रामलीला मैदान में फुल पोल खोल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें पिछले 5 वर्षों में सपा और भाजपा की सरकार के किए गए कार्यों की पोल खोली जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा का गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नेताजी बहन जी के हाँ में हाँ मिलाते रहे तो रिश्ता चलेगा, अगर वो हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो रिश्ता टूट जाएगा। देखिए, सपा बसपा का गठबंधन ये चलेगा नहीं, वो कहीं भी हो जाए फरियाबाद में नहीं होगा, ये गठबंधन कामयाब नहीं होगा। क्योंकि फरियाबाद की जनता ने मन मना लिया है कि अगर सांसद यही चुनाव लड़ेगा तो इसे हराएंगे, हर वर्ग ने मना लिया हराने का। तो यहाँ गठबंधन कारगर नहीं होगा, कहीं दूसरी जगह हो जाए हो जाए, वैसे ये गठबंधन चलेगा नहीं, क्योंकि नेताजी जैसे विशाल दल का आदमी इस देश में दूसरा नहीं है। बहुत झेलते हैं, विरोधियों को भी अपना बना लेते हैं, उनमें यह क्षमता है। जब उनका नहीं चला गठबंधन तो ये नहीं चलेगा। ये गठबंधन तभी तक चल सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहन जी की हम यहाँ मिलाते रहेंगे, घुटने टेकते रहेंगे, तो गठबंधन ये चलता रहेगा। और जिस दिन बहन जी की हमें हाँ नहीं मिलाई उसी दिन गठबंधन वहाँ पड़ा है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ पड़ा कोई वहाँ पड़ा, ये होगा गठबंधन का आश्रय। कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने शिवपाल जी को पूर्वांचल जाने पे पीटने की बात कही थी, वहाँ पिटेंगे, ऐसा क्यों कहा, क्या देखिए, ये किसी सभ्य व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। ये अपने को प्रोफेसर कहते हैं, ये प्रोफेसर की भाषा नहीं हो सकती, और राजनीति में राष्ट्रीय महासत्व में राजनीति व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती जो इस तरह की बात करें। क्योंकि शिवपाल सिंह प्रदेश के बड़े नेता हैं और पूरे प्रदेश में उनका असर है, मिनिस्टर हैं कई बार, और समाजवादी पार्टी में किसी समय क्या, जब तक नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तब तक वो नंबर दो के नेता रहे इस देश में समाजवादी पार्टी के। तो उनके लिए इस तरह की भाषा बोलना मैं तो समझता हूँ कतई ठीक नहीं है। और ये भगवान रामगोपाल को सद्बुद्धि दे दे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके लड़के के चुनाव की वजह से जनता ने नकार दिया, सो बौखला गए हैं, बौखला कर